लेट अस रीड द पोयम। बच्चों, क्या आपने यह पोयम पढ़ी है? अगर नहीं, चलिए तो एक बार इस पोयम को पढ़ लेते हैं। क्लास डिस्कशन, रिसाइट एंड डिस्कस। In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you, we barely heard. You sat and stared in silence, surrounded by the chatter. Now tell me, Jane, and please be plain, is there anything the matter? Kavita mein, teacher padha rahi hai kaksha mein, to vah Jane se poochti hai. Jane ek ladki hai. जेन, कक्षा की चर्चा में तुमने शायद ही कोई शब्द बोला हो। हम सभी ने अपना अपना मत व्यक्त किया है, परंतु तुमसे हमें शायद ही कोई शब्द सुनाई दिया है। तुम वक्ताओं से घिरी हुई बैठी हो और चुपचाप घूर रही हो। जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो। जेन ने ऊपर देखा और फिर बोली। उसकी आवाज़ स्पष्ट व धीमी थी। आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चुप रहते हैं। तो बच्चों, ये पोयम गर्विज फिन ने लिखी है। चलिए मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ। द क्लास डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन। ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन, बट जेन सैट इन साइलेंस। द टीचर ऑब्जर्व एंड इंक्वायर्ड अबाउट इट। From Jane, she replied that there are many people who are quiet by nature. Class के अंदर discussion चल रहा था। Teacher और बाकी बच्चे सभी participate कर रहे थे, पर Jane चुपचाप बैठी थी। Teacher ने यह observe किया और पूछा। इस पर Jane ने जवाब दिया कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शांत रहते हैं। तो बच्चों, आपकी कक्षा में भी ऐसा होता होगा कि टीचर डिस्कस कर रहे हैं कुछ, केवल कुछ बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे एकदम शांत बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है?